हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा चैनल विवेक मिश्रा श्री चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम विवेक मिश्रा, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आज हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं, तो बने रहिएगा और ध्यान से नहीं देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। पिछली वीडियो में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। विवेक मिश्रा श्री चैनल सर्च करेंगे, वहां पर मेरा लोगो मिलेगा। वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो तीन बटन आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से, होम, वीडियो एकदम ऊपर आता है, और प्लेलिस्ट आगे हमारे चैनल ओनर और कुछ रहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है। मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है और प्राप्त करना है फाइंड आल द सोल्यूशन। हमको सभी सोल्यूशन प्राप्त करने हैं, मतलब एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम। किस रूप में लिखते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, इसको हम जानते हैं किसके रूप में लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू जीरो, ये लिखते हैं। चलिए ये लिख लीजिए क्या होगा, एक्स का कोफिशियंट थ्री, फर्स्ट इक्वेशन के लिए रो फर्स्ट वाले लिखते हैं, वाई का कोफिशियंट फोर, जेड का कोफिशियंट माइनस वन एंड डब्ल्यू कोफिशियंट माइनस सिक्स, ऐसा ही लिखा जाएगा। सब लोग कन्फर्म हो, कन्फर्म हो भैया। आगे देखते हैं, इसी प्रकार सभी का लिख लेंगे, टू थ्री टू माइनस थ्री एंड टू वन माइनस फोर्टीन एंड माइनस नाइन, वन थ्री थर्टीन थ्री। जो यहाँ पर x होता है, x हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी हमारा दिया रहता है x y z दिया रहता है, तो वो लिखते हैं। हमारा w भी है, w भी लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, x y z इक्वल टू, ये जीरो है तो मतलब जीरो 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 जीरो, ऐसे लिखा। बात क्लियर हो रही है जी। अब हम यहां पर जानते हैं इसको किस प्रकार बना लेते हैं। हम एक नॉर्मल इसे हम इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस टू इक्लोन फॉर्म। इक्लोन फॉर्म में बना करके हम इसकी रैंक निकाल लेते हैं, रैंक देखते हैं क्या आ रही है, तो वहां से हमारा एक्स और वाई मान निकलता है। तो यहाँ पर रैंक निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको वैसे डायरेक्ट हल कर लेंगे, आ जाता है। देखिए कैसे हल किया जाता है, इसको अगर हम इंटरचेंज कर लें आर वन और आर फोर, तो ये वन ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, हमको ये वहाँ पर वन लाना है ये जरूरी नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर लाते हैं तो ताकि हमारा सबके सब कट जाए। यहाँ पर या तो तीन से डिवाइड करेंगे तो लंबा जाएगा, क्या मतलब है, इंटरचेंज कर देते हैं, आएगा वही, टेंशन मत लीजिए। लिखेंगे आर वन प्लस टू आर फोर एंड आर फोर प्लस टू, इस प्रकार का चीज लगाते हैं, मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करने के बाद क्या मिलेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, आर फोर वाला वन थ्री थर्टीन थ्री, और बीच वाला वही रहेगा सब कुछ, टू थ्री टू एंड माइनस थ्री, एंड थर्ड वाला हमारा स्टेप रहेगा टू वन माइनस फोर्टीन माइनस नाइन। समझ में आ रहा है भैया। चलिए, और ये फर्स्ट वाला जो टर्म है वो किस में चला जाएगा, लास्ट वाले टर्म में, कौन सा, थ्री फोर माइनस वन माइनस सिक्स। ओके, किसी कोई दिक्कत। और ये जो है टर्म हमारा सेम को सेम रहेगा, एक्स वाई जेड, देखना इसको मत बदलने लगना, डब्ल्यू को ऊपर कर दे एक्स के नीचे, ऐसा नहीं होता है। क्लियर, जो भी हम रिएक्शन करेंगे सिर्फ इस वाले में करेंगे, ए में जितना भी हम ऑपरेशन लगाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं, अभी हम इसको जीरो बनाना है हमको, पूरे नीचे नीचे जीरो कैसे बनाएंगे, आर टू टेस्ट टू आर टू माइनस टू आर वन, टू से इसमें गुणा करके तब जीरो बनाएंगे। लिखेंगे आर थ्री टेस्ट टू आर थ्री माइनस टू आर वन, क्लियर। एंड इसी प्रकार हम आर फोर का भी कर लेते हैं, यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई करके इसको घटाएंगे तब जाकर होगा। यहाँ पर क्या होगा, आर थ्री आर फोर, सॉरी आर फोर टेस्ट टू आर फोर माइनस थ्री आर, क्लियर। अब देखेंगे क्या आएगा हमारा, देख लेते हैं क्या बचेगा। यहाँ पर ऊपर वाला वैसे ही रहेगा वन थ्री थर्टीन थ्री, क्लियर। दो में से गया जीरो, तीन में से गया, यहाँ पर तीन दो नीचे, इसमें दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तीन में से गया माइनस थ्री, दो में तेरह दो छब्बीस होता है, तेरह में छब्बीस जब घटाएंगे तो सॉरी टू में से ट्वेंटी सिक्स जब घटा देंगे माइनस ट्वेंटी फोर बचता है, क्लियर। एंड माइनस थ्री माइनस थ्री टू जा सिक्स,
अर्थात ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस नाइन। क्लियर। अब आगे देखेंगे, टू मेस वन गया, टू मेस टू गया जीरो, क्योंकि यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पर आर थ्री प्लस टू आर थ्री माइनस टू आर वन, एंड वन माइनस सिक्स, वन माइनस सिक्स है अर्थात माइनस फाइव, माइनस फोर्टीन माइनस ट्वेंटी सिक्स, क्या बचेगा हमारा बताइए जल्दी। माइनस फोर्टीन है, माइनस ट्वेंटी सिक्स है, तो छः चार दस चालीस, माइनस फोर्टीन बचेगा ना। एंड माइनस नाइन माइनस थ्री टू या सिक्स, माइनस फिफ्टीन। अब इसमें देखते हैं, थ्री माइनस थ्री जीरो, यहाँ पर वन नहीं है, थ्री से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा रहे हैं, आर फोर टेंस टू आर फोर माइनस थ्री आर वन, एंड फोर माइनस थ्री थ्री जा नाइन, फोर माइनस नाइन क्या होता है माइनस फाइव, एंड माइनस वन थर्टीन थ्री जा थर्टी नाइन, माइनस वन माइनस माइनस फोर्टी। इधर देखिए माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस फिफ्टीन, क्लियर। और यहां पर क्या लिखा जाएगा सेम वैल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू। चलिए ठीक, इसी प्रकार हम यहां पर जीरो 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 लिख लेंगे, लिख लीजिए इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम देख सकते हैं यहां से अगर हम थ्री का डिवाइड कर दें, इसमें किसका डिवाइड कर दें थ्री का टोटल में, तो क्या हो जाएगा थ्री वन जा थ्री, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर होता है, थ्री थ्री जा नहीं सब कट जाएगा। चलिए अब हम लगा लेते हैं ऑपरेशन, इसको छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, आर टू टेंस टू आर टू बाई माइनस थ्री, थ्री से डिवाइड कर लेते हैं काम। आर थ्री किससे डिवाइड करते हैं पाँच चालीस और फिफ्टीन, तीन के तीनों आ रहे हैं, तीन के तीनों फाइव से डिविजिबल है, तो आर थ्री टेंस टू आर थ्री बाई माइनस फाइव काम। और ये भी फाइव से डिविजिबल है अर्थात आर फोर टेंस टू आर फोर बाई माइनस फाइव। अब लगाएंगे क्या बचेगा हमारा वन थ्री थर्टीन थ्री जीरो वन एट थ्री जीरो, माइनस फाइव से डिवाइड कर लीजिए फाइव वन जा फाइव, फाइव एट जा फोर्टीन फोर्टी, एंड फाइव थ्री जा फिफ्टी, क्योंकि माइनस डिवाइड किए इसलिए टोटल वैल्यू प्लस में आ गई। ये भी उसी प्रकार हो जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू जीरो 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 जीरो। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नोट कर लीजिए फटाफट से, इतना नोट कर लिए, मिटा दें इसकी वैल्यू को। अर्थात अब हम यहां से देख सकते हैं क्या आएगा हमारा, ऊपर की वैल्यू हटा दें कोई मतलब तो है नहीं, हम तो क्वेश्चन लिख ही लिए। अब देखते हैं यहां से हमारा बचे क्या, यहां से हम वन जीरो प्राप्त है, हमें टू जीरो लाना है, यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो लाना है, हम कैसे लाएंगे आर थ्री टेंस टू आर टू की मदद से, आर वन की मदद लेंगे, यहाँ पर वन हो जाएगा, हमको जीरो ही लाना है, आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर टू, एंड आर फोर टेंस टू आर फोर माइनस आर टू, आर थ्री में से आर टू घटा देंगे और आर फोर में से भी आर टू घटा देंगे, देख रहे हैं वैल्यू सेम है, सब जीरो हो जाएगा, वन थ्री थर्टीन थ्री जीरो मोन गया, ओ सॉरी वो ऐसे लिखे जाए जीरो वन एट थ्री, जीरो में जीरो गया जीरो, वन में वन घटा देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, एट में से एट जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन जीरो, एट माइनस एट जीरो, एंड थ्री माइनस थ्री जीरो आया। इधर क्या बचा एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू जीरो 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 जीरो। आप देख सकते हैं हमने जैसा कि पहले से ही जाना है पिछली वीडियो में, आप बढ़िया से देखेंगे, पिछली वीडियो जो नहीं देखे मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। और पिछली वीडियो देखने के लिए आप जाएंगे सर्च करेंगे विवेक मिश्र स्टडी चैनल एप्लीकेशन आप मैट्रिक्स, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वरना आप सिर्फ सर्च कर लीजिए विवेक मिश्र स्टडी चैनल मैट्रिक्स, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैट्रिक्स वाली, उसमें टोटल मैं मैट्रिक्स डाला हूँ, चाहे वो एप्लीकेशन चाहे रैंक का मैट्रिक्स चाहे मैट्रिक्स हो चाहे सब इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो, टोटल टोटल वीडियो उसमें पड़ेगी और मैट्रिक्स की टोटल वीडियो डाली जाएगी। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। वन एक्स
अर्थात एक्स ही होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें थ्री वाई प्लस थर्टीन का मल्टीप्लाई जेड में थर्टीन जेड प्लस थ्री डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर बना फर्स्ट बना। अब हम देखते हैं इसमें ये जीरो का मल्टीप्लाई एक्स में मतलब जीरो हो गया, और वन का मल्टीप्लाई वाई में क्या हो जाएगा वाई, एट का मल्टीप्लाई जेड में प्लस एट जेड, और यहां नीचे और लिख लीजिए क्योंकि वैल्यू भी हम निकाल रहे हैं, क्या होगा वाई प्लस एट जेड प्लस थ्री डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर बना हमारा, बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। चलिए इधर नोट कर लीजिए फटाफट से, ये वाला भी नोट कर लीजिए, नोट कर लिए बहुत अच्छे, मिटा दें ताकि हमें स्पेस मिल जाए पूरा हम सॉल्व करने के लिए बढ़िया से जगह प्राप्त कर लें। चलिए यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या मिल जाता है वाई इक्वल टू ये उस साइड से हो जाता है माइनस ऑफ एट जेड प्लस थ्री डब्ल्यू मिलता है कि नहीं, ये टोटल हमारी इतना हम कर सकते हैं, ये जो प्लस में है वैल्यू जाकर माइनस में हो जाती है। क्लियर, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y की वैल्यू यहां से उठाकर के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लीजिए, क्या बचेगा x प्लस थ्री, वाई जहां क्या लिखेंगे कुछ इस प्रकार माइनस एट जेड माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्री डब्ल्यू, यही तो है y जगह प्लस थर्टीन जेड प्लस थ्री डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा x माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री एट जा ट्वेंटी फोर जेड एंड थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री जा नाइन डब्ल्यू प्लस थर्टीन जेड प्लस थ्री डब्ल्यू इक्वल टू जीरो आया है क्या, ध्यान समझेंगे x माइनस 24z एंड 13z कितना होता है 11z माइनस में 9w है प्लस 3w है ये माइनस साइन है अर्थात माइनस 6w इक्वल टू जीरो। इसको जब उस साइड ले जाएंगे x इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 11z प्लस 6w, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई x की, नोट करिए। अब देखते हैं हम देख सकते हैं कि यहाँ से z बराबर जीरो हो जाएगा w बराबर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर z बराबर कुछ मान लीजिए w बराबर कुछ मान लीजिए, हमने क्या मान ये तो मिला हमारा y मान, या तो इस प्रकार लिखिए या तो ऐसे आप भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर हटा के माइनस टोटल टोटल माइनस कर सकते, ये हमारी y की वैल्यू मिल गई, ये हमारी x की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं z इक्वल टू जीरो है w इक्वल टू जीरो है हमने माना लेट या फिर हाँ लेट ही कर लीजिए लेट z इक्वल टू सी वन एंड w इक्वल टू सी टू, जब यहाँ पर z और w जिसका भी मान जीरो होता है उसके हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं हमने सी वन सी टू मान लिया, आप कुछ भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लीजिए आप मान सकते हैं। चलिए तब z और w का मान रख देते हैं, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर फोर। अभी लेंगे putting the value of z and w in equation number third and fourth. Third and fourth में हम equation z and w का मान रखेंगे, जब हम equation number third में रखेंगे z और w मान तो y मान हमें क्या मिलेगा minus 8 z का मान क्या लिखे हम c1 and minus 3w मान c2 ये वाई मान मिलेगा, एंड जब हम यही जेड और डब्ल्यू की वैल्यू जब हम उठा के फोर्थ में रखते हैं तो क्या मिलता है एक्स इक्वल टू इलेवन जेड है, जेड की जगह हमने क्या माना है सीवन माना है तो यहां पर सीवन लिखेंगे, और यहां पर सिक्स माने हैं सिक्स, डब्ल्यू की जगह हमने क्या माना है सी टू, क्यों क्योंकि हमने बार बार बताया कि जब जेड इक्वल टू जीरो मतलब किसी भी क्वांटिटी मान जब जीरो आ जाए हम कोई कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, तो यहां पर
डब्ल्यू जेड क्या लिख लेंगे सी टू, ये हमको मिल गया। अब हमें क्या प्राप्त करनी थी, अपना क्वेश्चन देखिए, हमें वैल्यू प्राप्त करनी थी इस इक्वेशन की। तो वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं ध्यान दीजिएगा, जैसे हम वैल्यू ये लिखते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू, ठीक एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू लिखेंगे। एक्स का मान क्या हमने आया है ये 11 सीवन, सीवन का अलग में कर लीजिए, सी टू का अलग कर लीजिए, या फिर पहले एक में लिख दे रहे हैं 11 सीवन प्लस 6 सी टू। और वाई की वैल्यू क्या आई है माइनस 8 सीवन माइनस 3 सी टू। जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर सीवन है, अर्थात यहाँ पर सीवन लिखेंगे। और C2 के टर्म में Z की वैल्यू जीरो है, अर्थात जीरो C2 लिख सकते हैं क्योंकि जीरो ही है। अब लिखते हैं हम W के वैल्यू, W C2 है, अर्थात C1 के टर्म में जीरो एंड C2 टर्म में, C2 टर्म में वन, अर्थात प्लस C2 लिख सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताइए, आप यहाँ पर जीरो सी टू करिए या प्लस, अगर यहाँ से माइनस दिक्कत हो रही प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो भी रखेंगे आया तो माइनस जीरो ही, ओके। अब यहाँ से हम दो वैल्यू में प्राप्त हुई, कौन कौन सी, एक तो ये वाली सीवन वाली, सीवन क्या प्राप्त हुई 11 माइनस 8 वन एंड जीरो सीवन। और उधर क्या वैल्यू प्राप्त हुई, ये तो हमारा सीवन के टर्म में प्राप्त हो गया, बात क्लियर। एक तो ये वैल्यू आ गई हमारी, इतना नोट कर लीजिए पहले आप लोग, जल्द जल्द नोट कर लिए। एक तो वैल्यू हमारी वो प्राप्त हो गई, और क्या प्राप्त होगी, या तो यहां से लिखने बजाय हम यही लिख दे रहे हैं, एक तो हमारा एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इसकी वैल्यू आ गई हमारी, ए सीवन टर्म में लेते हैं 11 माइनस 8 1 0 सीवन के टर्म में, एक तो ये वैल्यू आ गई हमारी, और दूसरी वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू सी टू टर्म में क्या क्या आया है 6 माइनस 3 0 1, क्योंकि सी टू टर्म में 1 ही तो होगा, ये सी टू, ये दो वैल्यू मिली, वेयर ले लेंगे C1 एंड C2 आर एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बात समझ में आ गई, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अब हमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, तो देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया, इस पर स्टार्ट लगा दो, तुरंत इस पर स्टार्ट लगा दीजिए, ये कई बार भी पूछा जा चुका है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बहुत 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 सिंपल है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन के एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ इसीलिए मैं बताते ही चल रहा हूँ आप, ताकि स्टार लगाए रहें, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और सो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन नॉन जीरो सोल्यूशन इज सिक्स, इसमें सोल्यूशन तो दे दिया गया है, सिक्स आएगा सोल्यूशन, और लेमडा के लिए क्या वैल्यू होगी, कैसे निकालेंगे, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है, आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो लेमडा की वैल्यू सिक्स आएगी यहाँ पर, ये सिक्स दे ही दिया गया है और लाना है हमको सिक्स, तो चलिए देखते हैं कैसे लाएगा। सोल्यूशन लिखेंगे, आप पहले भी इस प्रकार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, कि जब नॉन जीरो सोल्यूशन होते हैं तो ए एक्स इक्वल टू जीरो होता है, ए का मान रख लेंगे पहले, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, पहले इस इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए और इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स है लेमडा एक्स उधर है इधर आएगा माइनस लेमडा एक्स प्लस टू आई प्लस
3z इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन होगा तो 1 माइनस लैम्डा प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? और ये सोचेंगे सबकी वैल्यू कोफिशियंट आ गई है तो x को बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार फ्रॉम ये होगा ठीक, अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड देखेंगे, 3x है इधर y है तो पहले 3x वाला लिख लीजिए आप लोग, इधर y वाला है तो y इधर आएगा तो y का मन होगा प्लस 1 माइनस लेमडा y प्लस 2z इक्वल टू 0। इसी प्रकार फ्रॉम थर्ड ले लीजिए, थर्ड इस देखेंगे ये z वाला आ रहा है अर्थात x y वाला पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस लेमडा, क्योंकि लेमडा इस साइड आएगा माइनस में जाएगा एंड z इक्वल टू, ये हमारे तीन इक्वेशन बने, तीन इक्वेशन बन गया। इसको नोट कर लीजिए, हम इसको ऊपर वाली वैल्यू मिटाएंगे, नोट कर लिए, ये हमारे तीन इक्वेशन बन गए। जब तीन हमारे इक्वेशन बन गए, अब तीनों इक्वेशन से हम लगाएंगे ax इक्वल टू 0, ए का मान निकालेंगे कैसे निकलेगा, हम जानते हैं ए का मान क्या होता है, यहाँ से ए का कोफिशियंट मतलब x का कोफिशियंट पहले लगते हैं 1 माइनस लेमडा फिर 2 उसके पश्चात, सेकंड इक्वेशन देखेंगे 3 फिर 1 माइनस लेमडा फिर 2 x y z का कोफिशियंट लिख रहे हैं फिर 2 एंड 3 और ये क्या होगा 1 माइनस लेमडा। यहाँ पर क्या होगा x y z इक्वल टू 0 0 0, यही इसका रूल होता है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिए बहुत अच्छा, मिटा दें इसको। अब हम सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये सॉल्व ध्यान समझिएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, आप अगर हम इसमें क्या कर दें कुछ इस प्रकार R1 = R1 + R2 + R3, चाहे जिसमें जुड़े चाहे R2 चाहे R3 में चाहे जिसमें जुड़े, कि अब हम R1 में R2 तथा R3 वैल्यू जोड़ रहे हैं, जोड़िए देखिए क्या आएगा, R1 हमारा 1 माइनस लेमडा है प्लस 3 प्लस 2 होगा। अब इधर देखते हैं ये क्या है, 2 है प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 3, अब इधर 3 है प्लस 2 प्लस 1 माइनस, अब नीचे वैल्यू सेम रह जाएगी 3 1 माइनस लेमडा, क्योंकि हम R2 नहीं कह रहे सिर्फ R1 में लगा है और 2 3 1 माइनस। क्लियर, अब हम यहाँ से देखते हैं इसको सॉल्व करने क्या आया, आप x इक्वल टू 0 लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसको जब सॉल्व करें 1 + 3 + 2 अर्थात 6 माइनस लेमडा आया, ये भी 6 माइनस लेमडा, ये भी 6 माइनस लेमडा, यहाँ पर नीचे वैल्यू लिख लेते हैं 3 1 माइनस लेमडा 2 2 3 1 माइनस लेमडा, और यहाँ पर क्या वैल्यू रहेगी एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0, यही रहेगा यहाँ भी रहेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। क्लियर, समझ बात आई, अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है 6 माइनस लेमडा, ऊपर वाले में कॉमन कर लेंगे 6 माइनस लेमडा, ऊपर क्या बचेगा 1 1 1, नीचे क्या बचेगा 3 1 माइनस लेमडा एंड 2, नीचे क्या बचेगा 2 3 1 माइनस लेमडा, इधर क्या बचेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0, बचेगी ना, किसी को कोई प्रॉब्लम बताते चलिएगा। चलिए अब हम इसे किस रूप में बदल लेते हैं, हर बार की तरह इसको किस रूप में बदलेंगे, वही अपना इक्लोन फॉर्म में, तो इस पर क्या रिक्शा लगाएंगे, ये 1 बचा है हमारा, इसको लगा लेंगे हम R2 = R2 - 3R1
एंड आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस टू लगाएंगे तो सिक्स माइनस लेमडा तो हमारा कॉमन रहेगा ही, ऊपर वन वन एंड वन, थ्री में से थ्री गया जीरो। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व कर दिखा वन माइनस लेमडा, क्योंकि थ्री से मल्टीप्लाई करके करें माइनस थ्री क्या होगा, माइनस लेमडा माइनस टू ये तो होगा, देखेंगे माइनस लेमडा माइनस टू। अब यहाँ देखते हैं टू माइनस थ्री अर्थात माइनस वन आएगा, यहाँ पर देखते हैं टू माइनस टू जीरो हो जाएगा होगा। अब यहाँ पर थ्री माइनस टू, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्री माइनस टू वन आएगा, एंड माइनस वन माइनस लेमडा है, यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं वन माइनस लेमडा है माइनस टू है, क्या होगा ये माइनस लेमडा माइनस वन, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस लेमडा माइनस वन एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं ये कि अब हम इसका प्रसार कर लीजिए डायरेक्ट, सबसे अच्छा है प्रसार ही करने में, प्रसार कर लीजिए डायरेक्ट काम खत्म हो जाए, आप नहीं तो वैसे लगाना चाहे तो वैसे भी लगा सकते हैं, प्रसार करना चाहे तो प्रसार कर सकते हैं, वैसे एक्स वाई जेड के टर्म में आएगा, प्रसार कर लीजिए डायरेक्ट, क्या बचेगा सिक्स माइनस लेमडा, इधर जब प्रसार करेंगे वन को लेंगे हम ये कॉलम वाइज ले रहे हैं, वन को जब लेंगे तो ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला ऊपर का पूरा रो नीचे इधर का पूरा कॉलम, क्या बचेगा ये तो बचेगा माइनस लेमडा माइनस टू इंटू माइनस लेमडा माइनस वन, ये बचेगा लिख लेते हैं माइनस लेमडा माइनस टू एंड माइनस लेमडा माइनस वन। अब इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस वन, अब इधर देखते हैं जीरो का लेंगे सब कुछ टर्म जीरो हो जाएगा, हमारा क्या बचता है एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो 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 बचेगा, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए वीडियो पुश कीजिए, नोट कीजिए फटाफट से। आगे पहले हम देख लेते हैं यहां पर क्या होगा, एक एक बार तो हम ये सिक्स माइनस लेमडा है ही, इसको जब गुणा करेंगे माइनस लेमडा माइनस टू, ये तो है माइनस लेमडा माइनस टू इंटू माइनस लेमडा माइनस वन, गुणा कीजिए माइनस लेमडा माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर, माइनस लेमडा प्लस प्लस माइनस वन माइनस माइनस प्लस लेमडा, माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू लेमडा एंड माइनस माइनस प्लस टू, और वो प्लस वन है ही, ये तो लिख सकते हैं इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस टू लेमडा प्लस टू, लिख सकते हैं कोई दिक्कत, प्लस में क्या बचा हमारा वन, आ क्या बचा एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, क्लियर। अब एक बार तो इसको बराबर जीरो करके दिखा देते हैं, सिक्स माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो या फिर लेमडा इक्वल टू सिक्स, आ गया हमारा आंसर, एक बार इसको जीरो करके दिखाते हैं, इसको जीरो करेंगे क्या होगा लेमडा स्क्वायर टू लेमडा प्लस लेमडा अर्थात थ्री लेमडा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, आप श्रीधराचार्य नियम लगा दीजिए, श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे जब, आप जानते हैं लेमडा बराबर माइनस बी, बी क्या है ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन माइनस फोर ए सी चलते बारह अपान टू ए अर्थात टू, ए की वैल्यू वन है, क्लियर। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट बारह में से नौ घटाएंगे कितना बचेगा माइनस तीन टू, ये क्या है अंडर रूट वैल्यू आ रही है विच इज इमेजिनरी, क्या है ये वैल्यू इसको दिखा देते हैं विच इज इमेजिनरी, ये क्या दिखा रहा है इमेजिनरी, क्यों दिखा रहा है क्योंकि हम यहाँ पर जैसे माइनस थ्री है यहाँ पर हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस थ्री होता है, ये हमारी इमेजिनरी होगी, बात क्लियर हुई, इमेजिनरी हो गई इसकी कोई वैल्यू नहीं अर्थात हमारा आंसर आ गया लेमडा इक्वल टू सिक्स, प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था लेमडा इक्वल टू सिक्स। तो हमारे निगाह में एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, हमने एग्जांपल आप लोगों को अभी तक करवा रहे थे, एक्सरसाइज में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग ना हल कर सके,
तो हल कीजिए। अगर हमारा टोटल मेथड आप देखें, टोटल वीडियो देखें, एक्सरसाइज आप हल कर लेंगे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप एक तरफ से वीडियो देखिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको एक सैंपल हम दिखा देते हैं क्वेश्चन का, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको पहले देख लीजिए। तो आप लोग, हम बता रहे हैं कौन कौन सा आप लोग हल कर लेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ले लिए। ये रहा हमारा आंसर भी, ये इधर भी आंसर है और इधर भी आंसर है, इस साइड भी आंसर है हमारा, देख लीजिए, देख लिए। चलिए अब हम देखते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये इधर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, सब कुछ वही दिया गया है। ये जो देख रहे हैं छठवें में डब्ल्यू डब्ल्यू वाला, ये भी बता दिए, इन सभी को हल करना भी बता दिए, क्या करना है बस फाइंड ऑल द सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशन करना है। इसी प्रकार आप लोग निकालेंगे पूरा आपको वैल्यू आ जाएगी। तो आशा करते हैं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय कृष्णा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, रिविजन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आने का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए आप लोग।